आगामी मुस्लिम समुदाय के मातमी पर्व मुहर्रम को लेकर थाना परिसर पवई में शनिवार को एसडीओपी सौरभ रत्नाकर के अध्यक्ष की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने सुझाव दिए और पर्व पर किस प्रकार व्यवस्थाएं हो उन पर चर्चा की। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दहायत ने कहा कि जिस मार्ग से ताजियों का जुलूस निकलना है उनकी साफ सफाई और अवरोधों को हटाकर उनको दुरुस्त किया जाएगा। वही थाना प्रभारी सुरेश पांडे ने त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए जाने की बात कही। आज दिनांक 13 जुलाई को थाना परिसर पवई में शांति की स्वागत हुए किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, पत्रकार, बंधु और मुस्लिम समुदाय के लोग, विद्युत विभाग के लोग, सभी महत्वपूर्ण विभाग जिनका उनके चल समारोह जुलूस में योगदान हो सकता है उनको ये बैठक ली गई। जुलूस के संबंध में या त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने के संबंध में सबसे सुझाव लिए गए, जानकारी बताई गई, जैसे नगर पालिका और एमटीबी, इसके अलावा ये सभी को उनके विभागों को उनके बिंदु नोट करा दिए गए कि जुलूस के संबंध में उन्हें क्या तैयारी रखनी है, जुलूस का रूप क्या रहेगा, जुलूस का समापन कहाँ पर होगा और किन किन मार्गों से होकर जुलूस होगा। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ली गई मुहर्रम त्यौहार को लेकर के, और त्यौहार में जो मुहर्रम का जुलूस प्रारंभ होगा वो कटनी रोड से प्रारंभ होगा। कटनी रोड से प्रारंभ होकर के ईसाई चौक से होते हुए रात्रि में करीब 2 बजे तक नन्ही पवई पहुंचेंगे और वहां पर कर्फ्यू की रात होगी उनकी, फिर वहां से रात्रि में वापस होके अपने अपने जगह ताजिया पहुंच जाएंगे। फिर 17 तारीख को फिर से दोबारा जुलूस स्टार्ट होगा जो झंडा बाजार से होते हुए और साईं चौक तक आएगा।